तो देखिए हमारी जो आज की क्लास के जो प्रश्न रहेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा और हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जो महत्वपूर्ण युद्ध है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, यानी कि ये मान के चलिए कि अगर हिस्ट्री पढ़ी है इतिहास और ये युद्ध नहीं पढ़ा ना, तो ये मान के चलिए कि मेरे अनुभव के हिसाब से कि हिस्ट्री का वो युद्ध आपने नहीं पढ़ा जो महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण लिंक करता है इतिहास विषय से, ठीक है, जिसका नाम है तालिकोटा का युद्ध। अब आपके हमेशा याद रहेगा कि कभी एग्जाम में छपेगा ना, तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी से शुरुआत करूंगा। तो चलो जावेद बताएंगे। जावेद, तालिकोटा का युद्ध जो हुआ 1565 में हुआ, देखिए सुनेंगे भी सभी और इनका उत्तर भी सुनेंगे जिससे कि क्लियर हो जाए। तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ, यानी कि अकबर के समय में हुआ। सीधी सी बात, तालिकोटा का युद्ध एक मैं मोस्टली वैसे ही पूछूंगा सीधा, तो ये बताइए तालिकोटा का युद्ध उत्तर में हुआ भारत के या दक्षिण में हुआ, बताइए। दक्षिण में। देखिए ये चीज हमें याद होनी चाहिए, मैं पहले से बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ना में तो आपको सीधे तौर पर स्थापना नहीं मिलने वाले, यानी कि तालिकोटा का युद्ध उत्तर या दक्षिण कहते अगर परीक्षा में पूछा जाता है ना, तो हमेशा याद रखना तालिकोटा का युद्ध भारत के दक्षिण में हुआ, दक्षिण दिशा में हुआ, यानी कि साउथ में हुआ एक युद्ध। साथ ही साथ अगला पॉइंट याद रखना 1565 ईस्वी में हुआ अकबर के समय में। कई बार ऐसा लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तालिकोटा का युद्ध किसके समय, किस मुगल बादशाह के समय में हुआ, अकबर, ठीक है। नेक्स्ट पीछे बताएंगे बीच में। तो जैसा हमने लास्ट में पढ़ा, तालिकोटा का युद्ध किन किन के बीच हुआ पीछे बताएंगे पीछे। हाँ बराबर में बताओ, बराबर। हाँ देखिए ध्यान से सुनना है, तालिकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों के बीच हुआ, या तो इसको ऐसा कह दो, और ध्यान से सुनिए, मैं इसमें और तथ्य भी बताऊंगा, यानी कि ऐसे तथ्य भी बताऊंगा जो आपने नोट भी नहीं किए हैं तो उन्हें कर लेना है, और ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है कि तालिकोटा का युद्ध किन के बीच हुआ, तो ये भी सही आंसर है कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों के बीच हुआ पहला। यदि ये नहीं है तो दूसरा हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ, दूसरा प्रश्न का आंसर ये भी है इसका। बहुत ध्यान से सुनिए, बहमनी साम्राज्य, ठीक, और सुनिए, अगर ये भी नहीं है प्रश्न में आंसर में, तो ये भी कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण की चार मुस्लिम रियासतों के बीच हुआ, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था और ये जो थे बहमनी साम्राज्य वाले वो चार मुस्लिम रियासत थे। तो ऐसा भी कभी एग्जाम आ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच जो महत्वपूर्ण युद्ध है उसे किस नाम से जाना जाता है, तालिकोटा का युद्ध 1565। इसे राक्षसी तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, इसे बनी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि राक्षसी तागड़ी गांव के निकट हुआ था ये, और कहां हुआ था अगर एग्जाम में पूछी जाएगी तो याद रखना स्टूडेंट कर्नाटक में हुआ था। बहुत फेमस प्रश्न है जो आपसे परीक्षा में पूछा जाना, यानी कि कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लियर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।